माहिरा अख्तर, आपको ये निकाह कबूल है? रुक जाओ अमाद। किस झूठ की बात कर रहे हो आनंद कुमार? अब अगर तुम्हारी अपने बेटे के निकाह को तोड़ने की बेहुदा कोशिशें पूरी हो चुकी हो तो जाओ यहां से। और ये निकाह हो जाने दो। ये आपकी कोई नई चाल है? बस अब्बू, बाप होने का फर्ज तो खूब अदा किया है आपने, लेकिन सिर्फ आजाद के लिए। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई बेअदबी कर दूं, चले जाइए यहाँ से। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। जितना मैंने सोचा था, रजिया बाजी उससे बहुत ज्यादा शातिर है, पर अगर माहिरा यहाँ है तो वहां आजाद का निकाह किसके साथ हो रहा है? मुझे आजाद को बचाना होगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। खान बेगम, शायद नसीर घर की तरफ ही आ रहा है। क्या? वो घर पे आ रहे? तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? देखो, अगर वो यहां थोड़ी भी देर और रुकता ना तो बहुत बड़ा तमाशा करता। अब उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पहले ही कम मुसीबतें हैं क्या जो एक और कायनात इस घर में पता नहीं किस कोने में मुझे मिल भी नहीं रही है। देखिए, ये निकाह रुकना नहीं चाहिए। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूं? अगर कायनात ने सब कुछ देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस तक मैंने आपका हर जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन मैंने उस तक नहीं की। लेकिन अब आप मेरे मकसद के बीच में आ रहे हैं और ये मुझे मंजूर नहीं है। आनंद कुमार, खान साहब सामने आइए। सुना नहीं आपने? खान साहब सामने आइए। खान बेगम, खान साहब यहीं कहीं छुपे हुए। कायनात अंदर है, मुझे मिल नहीं रही है। मैं कुछ कीजिए, किसी भी तरह इस निकाह को रुकने मत दीजिए। इत्मीनान रखो खान बेगम, ये निकाह किसी भी कीमत में नहीं रुकेगा। नसीर, नसीर देखो, ये लुका छिपी का खेल बंद करो। कानवेगा, तुम अंदर जाकर कायनात को देखो। यहां मैं संभालती हूं, आप संभाल लीजिए। मैं आती हूं। आप जाइए, सेहरा बांध के आइए।
अगर माहिरा वहां है तो आजाद का निकाह किसके साथ में हो रहा है? या अल्लाह, मैं ऐसे लोगों के बीच फंसा हूं कि मैं अपने बेटों की जिंदगी भी नहीं बचा सकता। आजाद को कुछ होने से पहले मुझे कुछ करना ही होगा। रुक जा नसीर, आज तक तुमने अपनी बहन की मोहब्बत देखी है, नफरत देखी है, आज अपनी बहन का हुनर देखो। अल्लाह आपके बच्चों की जोड़ी सलामत रखे। बेटी, अल्लाह। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माहिरा, तुम यहां कैसे हो सकती हो? तुम तो वहां अमात के साथ निकाह कर रही थी ना, तुम एक साथ दो जगह कैसे हो सकती हो? तुम इतनी जल्दी वहां से यहां कैसे आई? तुम ठीक तो हो ना? देखो, अगर कोई तुम्हें इस निकाह के लिए जबरदस्ती कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। सच तो बोलना चाहती हूं मैं, पर मेरे सच की कीमत मेरे भाई को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ सकती है। सच बताओ माहिरा, मुझे पता है तुम ये निकाह जबरदस्ती कर रही हो, किसी मजबूरी के चलते ही तुमने आजाद से निकाह करने के लिए हां बोली है। आजाद? तुम्हारा निकाह आजाद से हो रहा है? आजाद कहां है? मैंने उसे अभी उस तरफ जाते हुए देखा। माहिरा, मेरी बात सुनो। माहिरा, माहिरा, मेरी बात सुनो। माहिरा, छोटी, बचाओ! छोटी, छोटी हाथ, छोटी कोशिश करो, इधर आओ। छोटी जल्दी से। छोटी, तू ठीक तो है ना? तू पानी में कैसे गिर गई थी? और ये सब क्या है? भाईजान, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। छोटी, मेरी बात तो सुनो। आजाद भाईजान, मौलवी साहब आपको बुला रहे, निकाह के लिए आपका इंतजार हो रहा है। चलिए आपको सहरा पहना देते। आजाद तो रूम में नहीं थे और नसीर साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? खान बेगम, नसीर साहब कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में है। खान बेगम, मुझे ये जानना कि मेरा निकाह किसके साथ हो रहा है। देखो यार, तमाशा मत बनाओ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हारे भाई बहनों को। खान बेगम, तुम चुप।
ये आजाद है या आमाद? अब हम निकाह की रस्म शुरू करते हैं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर मायरा ने मौलवी साहब को आजाद का नाम लेते हुए सुन लिया तो हम क्या करेंगे? सुनाई भी नहीं दे रहा। इतना दर्द हो रहा है। माहिरा बिन हबीब, आपका निकाह आजाद वल्द नसीर के साथ बिलिवस सिक्का राइजुल वक्त 1,01,000 मेहर तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? पर मेरा निकाह हो किसके साथ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है माहिरा इस निकाह से नाखुश है, तभी इतना वक्त ले रही है। तुम्हें अपने भाई की जान प्यारी है ना? जल्दी बोलो। मैं अब आपसे आखिरी बार पूछता हूं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। अब से आप दोनों शरीके हयात हो गए। अब आप उठ जाइए और बुजुर्गों की दुआएं लीजिए। मुबारक हो, मुबारक हो। आज से आप दोनों मियां बीवी हो गए। आपके निकाह की रस्म मुकम्मल हुई। अब आप दोनों खड़े हो जाएं। कहाँ हो तुम झांझरिया? कहते हैं मौत जिंदगी में दबे पांव आती है। तुम झनकार के साथ काला। सिर्फ एक मिनट बचा। काला लतीफ, दरवाजा खोलिए। हम दरवाजा नहीं खोल सकते।
माहिरा, मेरी प्यारी माहिरा, उस दिन तो तुम्हें हल्क ने मुझसे बचा लिया था, पर आज, आज हमारी सुहागरात है, आज तुम पर मेरा पूरा हक है, और ये हक हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। शादी मुबारक हो हल। It's all destiny भाई। जिस दिन मेरा निकाह हुआ, उस दिन आपने भी निकाह कर लिया। But sadly, जिस लड़की से आप निकाह करना चाहते थे, वो मेरे रूम में मेरा वेट कर रही है। आज हमारी सुहागरात जो है, आप silent mode में क्यों हैं? क्या हुआ? Usually आपकी ज़ुबान से ज़्यादा आपके biceps बात करते हैं, लेकिन आज वो भी खामोश है। क्या हुआ? हार मान ली क्या? You know what, भाई? You should be happy. अपनी पसंद की लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ? लड़की तो मिली. आपके लिए ना वही काफी है. चाहिए? वो बिचारी आपका इंतजार कर रही होगी. और हाँ, ऐसे में कोई टिप चाहिए हो, तो call me. बात करना चाहती हूँ। हमारा निकाह हो चुका है और निकाह के बाद एक शौहर का अपनी बीवी पे पूरा हक होता, लेकिन हक खुशी से दिए जाते हैं, मजबूरी में नहीं। मैं आपको वजह तो नहीं बता सकती, इतना बता सकती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी मजबूरी में आपके साथ निकाह किया। इस निकाह में मेरी मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। मैं आजाद से मोहब्बत करती हूँ और वही मेरी जिंदगी है, और उन्हीं के नाम से मेरा दिल धड़कता। आपके साथ मेरा निकाह जबरदस्ती हुआ। मैं अपना दिल अब और किसी को नहीं दे सकती।